कि हम उस शिवलिंग की ओर, उस बिंदु की ओर और उस लक्ष्य की ओर चलने के लिए अपने आप को संकल्पित कर सकते हैं, जो वास्तव में हमारा गंतव्य है, जो वास्तव में हमारा अपना है हमेशा हमेशा के लिए। संसार के कुछ लोग कुछ दिनों के लिए हमारे अपने हैं, हम भी उनके अपने हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा उनके लिए व्यवस्था जरूर करें, लेकिन इस चक्कर में कहीं उसकी विस्मृति न हो जाए कि हम हमेशा हमेशा के लिए जिनके हैं और जो अनादि काल से हमारा अपना है। जगत की सेवा करना और संसार में कर्तव्य निभाना गलत नहीं है, लेकिन अपने लक्ष्य की विस्मृति कर देना बहुत गलत है। जब संसार में अपना कार्य नहीं निभाओगे तब भी कोई अध्यात्म में भी आपको पसंद नहीं करेगा। जिसने अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य ना निभाया हो और वो चले जाए संतों के पास, महात्माओं के पास, और वो चाहे कि मुझे अध्यात्म में लगा दो, मेरी भी उड़ान लग जाए, तो संत उसको प्रवेश नहीं देता, उसका एडमिशन ही नहीं बनता उस दिशा में। क्योंकि तुम्हारे व्यवहार से यदि तुम्हारे माता पिता दुखी है, असंतुष्ट है, पीड़ित है, तुम्हारे व्यवहार के कारण यदि वो रो रहे हैं, तो ऐसे में कोई चाहे कि हम भी उड़ान लगा ले तो नहीं बनती। क्योंकि अध्यात्म यात्रा का प्लेटफॉर्म यही है कि व्यक्ति अपने स्वधर्म में पूर्णतः सफल हो। स्वधर्म में व्यक्ति पारंगत हो, सफल ही नहीं अत्यंत सफल हो। स्वधर्म में व्यक्ति कुशल हो, पारंगत हो पूरी तरह से, कि कहीं भी हम अपने कर्तव्य से विमुख तो नहीं है, किसी भी दिशा से हम अपने कर्तव्य से तो विमुख नहीं हो रहे। इसको जब हम बारीकी से, हम गौर से समझ लें कि हम कर्तव्य से विमुख न हो कहीं भी, किसी के भी साथ हमारे द्वारा अन्याय तो नहीं हो रहा, और जब वो बात दृढ़ीभूत हो जाती है, वो हमारा आध्यात्मिक उड़ान का प्लेटफॉर्म है, एयरपोर्ट है, रनवे है, वहीं से हम उड़ान लगा सकते हैं। अगर इसमें चरासी भी चूक है तो रनवे में कोई कमी है तो उड़ान में खतरा है। उसी प्रकार स्वधर्म में जिसके कमी है उसकी परम धर्म की उड़ान भी खतरे में।